अयोध्या में राम मंदिर में श्री रामलला के नवीन विग्रह की सोमवार को करीब 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित अनुष्ठान में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने रामलला की आरती की और भगवान राम की मूर्ति को दंडवत प्रणाम किया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पीएम मोदी ने संतों से आशीर्वाद दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने 11 का अपना व्रत भी तोड़ा। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में पीएम मोदी के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। पीएम मोदी करीब 11:30 बजे राम मंदिर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी का अतिथियों ने ताली बजाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीएम को राम नामी पटका पहनाकर और पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने इस दौरान सुनहरी रंग का कुर्ता, क्रीम रंग की धोती और सफेद रंग का पटका पहना। पीएम मोदी नवनिर्मित राम मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर तक पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे और गर्भगृह में प्रवेश किया। इस दौरान पीएम मोदी चांदी का छत्र लेकर पहुंचे। गर्भगृह में पीएम मोदी ने पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए संकल्प लिया। इस दौरान सेना के हेलीकॉप्टरों ने मंदिर परिसर पर पुष्प वर्षा की। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया, अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अलौकिक क्षण हर किसी को भाव विभोर करने वाला है। कार्यक्रम का हिस्सा बनना मेरा परम सौभाग्य है। जय सियाराम। अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अभिनेता रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, चिरंजीवी, रामचरण, जैकी श्रॉफ, आयुष्मान खुराना, पवन कल्याण, रणबीर कपूर, कंगना रनौत, नीता अंबानी, अनिल अंबानी समेत तमाम मेहमान शामिल हुए थे। इस समारोह में 7,000 से ज्यादा मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीएम योगी ने समारोह को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि प्रभु रामलला के नव्य दिव्य और भव्य मंदिर में विराजने की आप सबको बधाई। मन भावुक और भाव विभोर है। आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। भारत का हर नगर राममय है। सभी राम राम जप कर रहे हैं। पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है कि हम त्रेता युग में आगे हैं। आखिर भारत को इसी दिन की प्रतीक्षा थी। दर्जनों पीढ़ियां धराधाम से साकेत धाम में विलीन हो गई हैं। शायद यह पहली बार हो रहा है कि किसी देश की बहुसंख्यक वर्ग ने अपने आराध्य देव का मंदिर बनाने के लिए इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। प्रधानमंत्री जी का आभार और अभिनंदन। हमारी प्रभु की अलौकिक छवि है। धन्य है वह शिल्पी जिसने मन में बसे श्री राम की छवि को मूर्त रूप दिया है। सियावर रामचंद्र की जय। श्रद्धे मंच, सभी संत एवं ऋषिगण यहां उपस्थित और विश्व के कोने कोने में हम सबसे साथ जुड़े हुए सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है,
लेकिन कंठ अवरुद्ध है, मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे लाल रामलला अभी दिव्य मंदिर में रहेंगे, मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है, ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है, आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। आज दिन दिशाएं दिग दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है, ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमित स्मृति रेखाएं हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्साह का, आपके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम यहां पर अनुभव कर रहे पूर्ण देश में यही वातावरण है।
छोटे छोटे मंदिर के सामने दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोड़ों बंधु वहां पहुंच न पाए, ऐसे घर घर के हमारे नागरिक सज्जन माता भगिनी सब भाव विभोर है, सब में आनंद है, सब में उत्साह है। और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है। आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही, परंतु वो अकेले तप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। अयोध्या कर्तव्य का आदेश भी है, प्रधानमंत्री जी ने तप किया, अब हमको भी तप करना है। राम राज्य आने वाला है, वो कैसा था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा, सब नरक रही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, सब निर्दंभ धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज्य के सामान्य नागरिकों का जो वर्णन है, हम भी इस गौरवमय भारतवर्ष की संताने हैं, कोटि कोटि कंठ उसका जयगान करने वाले हमारे हैं। हमको इस प्रकार के व्यवहार को रखने का तप आचरण करना पड़ेगा। हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी। छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं, छोटे छोटे विवाद रहते हैं, उसको लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी। आखिर है क्या ये बात बताई, वो सामान्य नागरिक कैसे थे, निर्दंभ, प्रामाणिकता से आचरण करने वाले, केवल बातें करने वाले नहीं और बातें करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे, काम करते थे, आचरण करते थे और अहंकार नहीं था, ऐसे वो थे। और धर्मरत थे यानी क्या थे, इस पर कठिन भाषा में